हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोग का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स को। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। प्लस सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको दो स्टेज में हम लोग इसको कवर करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो अभी मैं इसमें पार्ट वन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर जो कि इनऑर्गेनिक प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपके फैब्रिक, क्रॉस बेडिंग, रिपल एट्सेट्रा। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें बोरोज और ट्रेल्स में प्रिजर्व होकर मिलते हैं। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं जो कि डायजेनेटिक प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, या फिर हम सेडिमेंट्री के केस में हम इनको डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ही ये बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो कि हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्री में, ये जिनको हम पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो कि डायजेनेटिक प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ के स्ट्रक्चर और वहाँ के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। प्लस मैं आप सब लोगों को ये भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरे से कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स में भी पूछा है कि जीएसआई की प्रिपरेशन में हम कैसे करें। तो जीएसआई की प्रिपरेशन में जब बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे तो हम लोग फोकस कर ही रहे हैं मैं अपनी वीडियोज़ में, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको करना क्या है कि आप फ्लो डायग्राम्स के जरिए पहले अपनी बातों को कहिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए। क्योंकि फ्लो डायग्राम आपको एग्जामिनर को ये बताता है कि यू नो वेरी वेल, ओके, आप सब्जेक्ट को समझते हो, बट हो सकता है आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत कम इधर उधर कर सकें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो डायग्राम और स्केचेस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो चलिए बायोजेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। सो बायोजेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके हमारे बायोजेनिक प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि प्लांट रूटलेट्स, वर्टिब्रेट्स, फुटप्रिंट्स जिसको हम ट्रैक्स भी बोलते हैं, ट्रेल्स एंड बोरोस, ठीक है। और जिसमें ट्रैक, ट्रेल्स एंड बोरोस की जिन साइंस में स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकनोलॉजी बोलते हैं, ओके। और इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजी जिस फॉसिल, ट्रेस फॉसिल्स की जिसमें हम टर्म यूज़ करते हैं वो क्या है, इकनोजीनस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल सेल्चर 1965 में दिए गए हैं, तो आप लोगों को ये एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे रेपिचीना क्राउलिंग बोरोस, डोमिचीना डिवेलिंग बोरोस, फोडीचीना फीडिंग बोरोस, और क्यूबीचीना रेस्लिंग ट्रेल्स। तो इस तरह का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इनको याद रखना है। देन इनऑर्गेनिक मेगास्कोपिक स्ट्रक्चर्स। सो इनऑर्गेनिक मेगास्कोपिक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्री डिपोजिशनल और इंटरबेड स्ट्रक्चर्स, या जिनको हम मोस्टली इरोजनल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इरोजनल स्ट्रक्चर, और फिर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं जिसमें कि आपके प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, तो मैं जैसे फ्लूट मार्क, ग्रूव मार्क्स, टूल मार्क्स, तो प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स ही आपके इरोजनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें चैनल, स्कोर्स एंड फील्स, फ्लूट मार्क्स, ग्रूव मार्क्स, टूल मार्क्स, ओके। देन सेकेंड इज सिन डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। सो सिन डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स वो है जिनको हम डिपोजिशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और जो सेडिमेंटेशन के साथ साथ डिपॉजिट होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की बेडिंग्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको मैसिव बेडिंग और आपका थिनली बेडिड और क्रॉस बेडिंग, ग्रेडिड बेडिंग, फ्लैट बेडिंग, लेमिनेशन और क्रॉस लेमिनेशन, ये सब के सब स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। इन सब लोगों को हम अभी वन बाई वन डिस्कस भी करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ द पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। तो पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो हैं जो कि आपके डिपोजिशन के बाद बनते हैं, और इनको डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं सेडिमेंट्री के केस में, ओके। सेडिमेंट्री के केस में इनको डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो बेसिकली आपके स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वाले स्ट्रक्चर से भिन्न है। कभी आप लोग यहाँ डिफॉर्मेशन को वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वाला या टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन ले आए, यहाँ पर वो डिफॉर्मेशन एक्ट होता है जो ड्यूरिंग डिपोजिशन, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज अवर बेसिन और
और इसमें हमारा सेडिमेंट आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेडिमेंट्स के ऊपर लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो यहाँ पर क्या है, आपका ओवरलोड बढ़ने लगेगा। तो ओवरलोड जब बढ़ेगा तो नीचे की लेयर्स के ऊपर ये प्रेस करना शुरू कर देंगी, तो इसकी वजह से आपका क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा जो कि वर्टिकल फोर्स हो सकता है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगता है, तो इसलिए ये फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू द डिपोजिशनल प्रोसेसेस। तो इसको हम डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं सेडिमेंटोलॉजी में और सेडिमेंट्री जियोलॉजी में। देन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी प्रीवियस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको मिशिलनियस कैटेगरी में रख दिया जाता है, जैसे कि रेन प्रिंट, श्रिंकेज क्रैक्स या सैंड डाइक्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि मिशिलनियस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रीवियस, देन प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स। तो प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिपोजिशन से पहले डेवलप होते हैं, या जिनको हम इरोजनल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि, या इनको हम बेसिकली टूल मार्क्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्लूवियल मोड है, तो फ्लूवियल मोड में हमारे बहुत सारे सेडिमेंट्स पानी के साथ बहते रहते हैं, तो वो आसपास की रॉक में या लूज मटेरियल में कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, तो वो प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि फ्लूट मार्क्स, तो फ्लूट मार्क बेसिकली क्या है, ये हॉलोज और स्कोर्ड जो कि मड बॉटम के ऊपर टूल्स के टकराने से बनते हैं, जिनका साइज 1 से 5 सेंटीमीटर वाइड और 5 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और इनका जो शेप है, कई बार क्रॉस सेक्शन पूछा जाता है, तो ये क्रॉस सेक्शनल शेप जो है बेसिकली नोज शेप की है। ओके, देन ग्रूव मार्क्स। हाँ, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, अभी असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दिया गया था फ्लूट मार्क्स, ग्रूव मार्क्स और टूल मार्क्स। तो बेसिकली फ्लूट मार्क्स, ग्रूव मार्क्स और टूल मार्क्स सब के सब टूल मार्क्स हैं, तो उनमें ये पूछा गया था कि इसमें डायरेक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहाँ पर फ्लूट मार्क्स हमारा डायरेक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के टकराने से डेवलप होता है। यहाँ पर क्या है, ग्रूव मार्क्स में ये एब्रेशन से डेवलप होता है, या कह सकते हैं हम फ्रिक्शन से डेवलप होता है, और ये इलोंगेटेड भी होता है। तो ग्रूव मार्क्स क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं करंट डायरेक्शन के, तो उसका जो राइट आंसर था वो था ग्रूव मार्क्स। टूल मार्क्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टूल मार्क्स में दोनों हैं, ग्रूव भी है और आपका आपके फ्लूट मार्क्स भी आ जाएंगे और आपके ग्रूव मार्क्स भी आ जाएंगे, इसलिए दोनों वहाँ पर यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। देन टूल मार्क्स, सो टूल मार्क्स बेसिकली कंबाइंड टर्म है जिसमें ग्रूव मार्क्स और आपके फ्लूट मार्क्स दोनों आते हैं, और इरेगुलर इन शेप, ये हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं प्लान व्यू में, क्रॉस सेक्शन में, और रफली ओरिएंटेड होते हैं, इनमें कोई एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन नहीं होता। दे कट द सेल्फ बॉटम में जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स होते हैं उनको कट कर देते हैं, जैसे कि फ्लूट्स और ग्रूव। तो जैसा मैं बता ही रहा था, टूल मार्क्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लूट मार्क्स में और ग्रूव मार्क्स में। ओके, सो इनको हम इंटरबेडिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ग्रूव मार्क्स और फ्लूट मार्क्स क्या होते हैं, हमारे इंटरबेडिड स्ट्रक्चर भी होते हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द इंटरबेडिड स्ट्रक्चर और विच वन इज़ द इंट्राबेडिड स्ट्रक्चर। ओके, सो अभी हम लोगों ने जो है फर्स्ट प्री डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया इस लेक्चर में, बाकी के स्ट्रक्चर्स में अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप सब लोगों को पसंद आएगा, और आप सब लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए आप सब लोगों से अलविदा चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।